सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्कार सर, मेरे पास सारे गामा है 150 शेयर 418 पर, और आई क्यू है 81 शेयर 359 पर। ओके, और तो दोनों में नजरिया आपका? लॉन्ग टर्म सर, लॉन्ग टर्म। ओके, तो आशीष जी, एक है सारे गामा, 480 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 150 शेयर है, करीब 362 आ रहा है, 125 रुपए के आसपास लॉस है। और दूसरा आईकीओ लाइटिंग, ये हाल का ही लिस्टेड स्टॉक है, इसको लेकर आप क्या राय रखते हो? जी सुनील जी, पहले तो सारेगामा पे राय देता हूँ, क्योंकि 200 डेमा पे ही सपोर्ट ले रहा है। सारेगामा एक अहम जोन है, यहाँ से एक हमें लगता है कि शायद बेस फॉर्मेशन हो गया है स्टॉक में। थोड़ी सी गिरावट देखने मिली थी हमें सितंबर मंथ में, लेकिन एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ देखने मिला है 350 का जो जोन है वहां पर, और स्टॉक अब तैयार है 380-385 तक के लेवल दिखाने के लिए। तो बने रहने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है वो 350 का एक SL स्ट्रिक्टली इसमें मेंटेन करा है। अगर 350 का इसका लेवल टूटता है इस बार, तो शायद इसमें वापस 300 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो 350 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बने रहे। दूसरी जो इन्होंने स्टॉक बताई आईक्यू लाइटिंग, सुमित जी काफी रीसेंट लिस्टिंग है, इनफैक्ट इसी ईयर इसकी लिस्टिंग हुई थी, और लिस्टिंग के बाद से इसमें कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला है। स्टॉक कभी भी बाउंस कर रहा है तो वहां पे एक प्रेशर देखने मिला, आज जरूर एक थोड़ा सा पुल बैक देखने मिला है इसमें। तो थोड़ा चार्टिकली इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी तक इतने क्लियर नहीं है। जो रिसेंट स्विंग लो है 340 का, वहीं पे एक स्टॉप लॉस रखे और बने रहे स्टॉक में, क्योंकि आज का जो प्राइस एक्शन है वो लग रहा है कि शायद इसमें वापस बाइंग इंटरेस्ट थोड़ी सी इमर्ज होते हुए देखने मिली है, और 350 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे। तो हाल का जो लो है आईक्यू लाइटिंग में 340 के आसपास, उसको ध्यान रखें और उसके हिसाब से आप बने रहें। चंडीगढ़ चलते हैं, रोहित जी मौजूद है वहां पर। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार रोहित जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर मेरे पास वेदांता के